मच एनएल। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस अभी दोपहर का लगभग 1 बज चुका है, 1 से थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है। सो अभी मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। एंड गाइस आज ना मैं इतना लेट क्यों हो गई तो उसका भी ना एक रीज़न है। सो क्या हुआ था ना कि आज मैंने किचन की सफाई की थी, किचन बहुत गंदा हो गया था। सो आज मैंने डीप क्लीनिंग की थी, सफाई तो डेली ही होती है। सो इसलिए मैं आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। एंड गाइस मुझे ना अपने सेकंड चैनल के लिए आज एक वीडियो रिकॉर्ड करना था लेकिन फिर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि 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 ना यहाँ पे भागवत हो रही है, सो उसकी ना बहुत आवाज़ आ रही है, तो फिर इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी अब, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊँगी और उसमें भागवत की आवाज़ बैकग्राउंड में म्यूज़िक के जैसे बजती रहेगी, सो फिर इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, मैं उनको ख़त्म कर लेती हूँ। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे क्या क्या काम पेंडिंग पड़े हैं और क्या क्या काम करने वाली हूँ मैं। एंड गाइस आज मैं आपको बताऊँगी कि मेरी सिस्टर की शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो क्या डेट आई है शादी के लिए, सो वो भी मैं आज आपको बताऊँगी। तो ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो बने रहिएगा लास्ट तक। सो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ क्या काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं जिन्हें मैं ख़त्म करने वाली हूँ। सो मैं आपके भी साथ शेयर करूँगी। सो ये है मेरे वो काम जिनको मैं आज ख़त्म करने वाली हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कितना फैला रखा है मैंने, तो मैंने ना सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही फैलाया है कि मतलब क्या क्या काम है। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए फैलाया है, मतलब मुझे आपको दिखाना है कि क्या क्या काम है। सो मैं आपको बताती हूँ आगे, लेकिन पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको भागवत की आवाज़ आ रही है, थोड़ा ध्यान से सुनकर बताइए। आ रही होगी, ज़रूर आ रही होगी। सो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं और मैंने क्यों इस तरीके से फैला रखा है। तो गाइस ये ना मेरी एक साड़ी है, ये देखिए, ऊपर से आपको बहुत सिंपल लग रही होगी लेकिन अंदर से ये बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की है पूरी, बहुत अच्छी लगती है। एंड गाइस कैमरा इसका रियल कलर कैप्चर नहीं अब आया, देखिए ये साड़ी है जो कि बहुत अच्छी लगती है। और इसको ख़रीदे हुए मुझे लगभग 1 साल हो चुका है, 1 साल होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। और लास्ट टाइम जब मैं मायके गई थी तब मैं ये साड़ी लेकर आई थी और अभी तक ना मैंने इसका ब्लाउज स्टिच नहीं कर पाया है। सो ये इसका ब्लाउज है, ये देखिए। एंड गाइस मुझे ना ये बहुत सिंपल लगा था, मुझे लगा कि ये इसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इसके लिए ना एक ये वाला ब्लाउज स्टिच किया था। आपको दिखाती हूँ, मैंने ऐसा ही रख दिया है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, देखिए। एंड गाइस मैंने इसको खुद स्टिच किया है, तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। एंड इसका बैग भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। सो मैंने ना इस वाली साड़ी के लिए ये वाला ब्लाउज स्टिच किया था, लेकिन हर जगह ना मैं इसके साथ इसको नहीं पहन सकती क्योंकि ये थोड़ा सा फैंशी लुक में आ जाता है और मुझे ये साड़ी थोड़ी लाइट है, तो कहीं ऐसी जगह पहननी होती है जहाँ पे मैं इतना हैवी ब्लाउज नहीं पहन सकती। तो अब ना मुझे इसका ये वाला ब्लाउज भी स्टिच करना है। एंड गाइस मैं ना अपने सारे ब्लाउज खुद ही स्टिच करती हूँ, तो मुझे ना 2-3 ब्लाउज स्टिच करने हैं जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैं करना चाह रही हूँ। सो मैं सोच रही हूँ आज क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस वाले ब्लाउज को स्टिच करूँ, मतलब स्टिच करूँ और आपकी भी साथ शेयर करूँ। एंड मैं ना इसके लिए कुछ लेस वगैरह भी लेकर आई हूँ, ये देखिए, ये मैं इसके लिए लेस लेकर आई हूँ। मैंने डिज़ाइन सोचा है, मतलब दिमाग में अभी चल रहा है कि ना उस तरीके का बनाने की कोशिश करूँगी, बनाऊँगी तो सिंपल ही, बस लेस से कोई डिज़ाइन बनाने की कोशिश करूँगी, तो अभी देखते हैं। एंड एक दो ब्लाउज मेरे पास और भी है, एक तो ना ई वाली साड़ी है, ये देखिए, ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और इसका भी ब्लाउज मैं स्टिच नहीं कर पाई हूँ अभी। और मेरे पास एक ही वाला ब्लाउज है, इसको मैं इसके साथ मैच करके पहन लेती हूँ।
एंड गाइस सामने वाले मकान में कुछ काम चल रहा है तो बहुत बॉयज आपको डिस्टर्ब करती होगी उसकी, सो आई एम सो सॉरी। एंड ये वाला ब्लाउज भी मुझे स्टिच करना है इसके लिए, वो मुझे कई सारे ब्लाउज अभी सिलने हैं। एंड सिस्टर की शादी भी आ रही है तो मैं सोच रही हूँ जब तक मैं अपने सारे ब्लाउज सिल के रख दूँ। सो एक ना मेरे पास ये वाला ब्लाउज है, ये स्टिच करा हुआ है, लेकिन क्या था ना कि इसकी स्लीव्स बहुत छोटी थी पहले ना, बहुत छोटी छोटी स्लीव्स चलती थी यहाँ यहाँ तक। सो ये देखिए इतनी ज़्यादा छोटी है तो मुझे ना इसको थोड़ा सा लॉन्ग करना है यहाँ तक, सो उसके लिए ही मैंने इसको उधेड़ के रखा है। और ये ना ऑपरेशन से पहले का ऐसा रखा है, मैं कर ही नहीं पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, और टाइम मिला तब तबीयत ठीक नहीं थी। सो ये सारे काम आज मैं निकाल के बैठी हूँ कि इनको करके रख देती हूँ जब तक ये भागवत एक दो दिन शायद अभी और होगी, दो तीन दिन से हो रही है। और सो ये वाला ब्लाउज मुझे ठीक करके रखना है। एंड इस वाली साड़ी के लिए ये वाला ब्लाउज स्टिच करना है, एंड इस वाली साड़ी के लिए मुझे ये वाला ब्लाउज स्टिच करना है। एंड ये वाले ब्लाउज का डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे तो ना बहुत अच्छा लगता है। एंड यस मेरे पास एक और ब्लाउज है एंड इसका भी डिज़ाइन बहुत प्यारा है, दिखा दूँ क्या अभी? मैं सोच रही हूँ कि ब्लाउज कलेक्शन का वीडियो बनाऊँ उसमें ही दिखाऊँ, उसी में दिखाती हूँ, ठीक है? सो ठीक है अभी मैं मशीन रखती हूँ और ये वाला ब्लाउज सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना कि इसको ठीक करके रख देती हूँ। सो चलिए इसको ठीक करते हैं। सो गाइज जस्ट अभी मैं सो कर उठी हूँ, मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मैंने पता है क्या सोचा कि 5-10 मिनट ऐसे ही लेट के फ़ोन चलाऊँगी, थोड़ी थकान हो रही थी तो फिर पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। और अभी ना 4 बजने वाले हैं एंड मुझे ना ऐसे बड़ा बेकार लगता है कि मैं क्यों सो गई, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। दिन में सोना मुझे सच में टाइम वेस्ट लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, बस मुझे ऐसा ही लगता है। और यहाँ पे ना मेरा मूड भी थोड़ा सा ख़राब हो चुका था कि मैं क्यों सो गई, और सो गई तो ठीक भी है वो इतनी देर के लिए, और पता ही नहीं चला कि ना कब 4 बज गए। और जब मैं उठी तो मैंने देखा हाँ रूम मेरा फैला पड़ा है और मुझे ब्लाउज़ भी ठीक करना है, फिर अभी मैं ब्लाउज़ लेके बैठी हूँ और अभी मैं इसको ठीक करूँगी। एंड जो दूसरा वाला ब्लाउज़ था जिसको मैं स्टिच करने वाली थी आज, वो मैं नहीं कर पाऊँगी आज क्योंकि ऑलरेडी 4 बज चुके हैं। सो पहले मैं ये वाला ब्लाउज़ ठीक कर दूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मैंने इसमें स्लीव्स लगा दी हैं, आप लोग देख सकते हैं ये देखिए। एंड ये ना बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, लगभग 3-4 महीने हो गए ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, और इस वजह से ना मैं ये वाली साड़ी भी नहीं पहन पा रही थी। सो फाइनली आज मैंने इसको ठीक कर दिया है। एंड अभी ना गाइस 5 बज चुके हैं, ये देखिए 15 मिनट कम है, 5 बजने वाले हैं, और मैं ना थोड़ी देर के लिए बीच में सो गई थी सो इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो ये ज़्यादा देर का काम नहीं था, आधे घंटे इसमें ना आधा घंटा ही लगा होगा, बस आधे घंटे का ही काम था। सो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, एंड ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है सो मैं वीडियो भी एंड कर रही हूँ। एंड यस गाइस मुझे आपको ये भी बताना है कि मेरी सिस्टर की शादी की क्या डेट आई है, सो फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि 2 दिसंबर उसकी शादी का डेट आया है, और 2 दिसंबर को उसकी शादी है, और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस अक्टूबर एंड नवंबर 2 ही महीने बचे हैं,
और सितंबर तो पूरा गया, बस ये मान लीजिए कि लास्ट के 2-3 दिन ही बचे हैं। ढेर सारी तैयारियां करनी है, टाइम बहुत कम बचा है, ओनली 2 महीने बचे हैं उसकी शादी को। और क्या जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। सो आई जस्ट होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।